हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आज आपके सामने R15 जो यामाहा की हाल ही में लॉन्च हुई R15 फेसलिफ्ट जो 2022 में आया है, इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक येलो के साथ वाइट और आपको ब्लैक के साथ सिल्वर। आप इनमें से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। सबसे पहले इस कलर की बात करते हैं तो ये बाइक ऐसी है जो यूथ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। स्पोर्ट बाइक में यामाहा का एक अलग ही नाम है। अब इसके फ्रंट फेसिया की आपको दिखाते हैं, फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्टर देखने के लिए मिलता है और इनके थ्रो की बात करें तो इनका थ्रो ज़बरदस्त है और साइड में आपको DRL देखने के लिए मिल जाती है और इस साइड आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे आपका एक ग्लास देखने के लिए मिलता है जो बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आ जाती है और यहाँ पे आपको जो इसका मड गार्ड है वो प्लास्टिक में देखने को मिलता है। इस बाइक की पूरी बॉडी प्लास्टिक में ही आती है। और बात करें इसके अलॉय व्हील्स की तो अलॉय आपको गोल्डन में देखने के लिए मिलती है जो इस बाइक पे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। और इसके टायर साइज़ की बात करते हैं, इसमें आपको MRF के 180/17 इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। इस बाइक में आपका ABS आता है, अगर आप पीछे के ब्रेक लगाते हैं तो आगे ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब इसकी साइड लुक में जाते हैं और साइड लुक आपको दिखाते हैं। साइड से भाई ये बाइक बिल्कुल ही बीस्ट लगती है, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो साइड में आपको यहाँ पे R15 की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे यामाहा लिखा हुआ आता है और यहाँ पे क्विक शिफ्टर लिखा आता है क्योंकि इसमें गियर है जो क्विक शिफ्ट हो जाते हो, आपके गियर अटकते नहीं है। यहाँ पे आपको यामाहा का लोगो देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है, यहाँ से ये ओपन हो जाता है और साइड से ओवरऑल ऐसे दिखता है। अब इसकी सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स आपको अलग अलग देखने को मिलती है। यहाँ पे की लगाने का मिलता है सीट्स पे जिससे पीछे की सीट आपका बूट स्पेस बन जाती है। यहाँ R15M की बैजिंग आती है। एग्जॉस्ट देखते हैं तो आपको एग्जॉस्ट ऐसा देखने के लिए मिलता है, इंजन इसका बिल्कुल ढका हुआ आता है। यहाँ पे यामाहा की आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है और इसका शोकर है वो अंदर की तरफ आता है येलो कलर में क्योंकि इसमें ज़्यादातर येलो कलर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल टोनिंग का यूज़ कितना अच्छा इसमें किया हुआ है। अब इसमें पीछे की तरफ जाते हैं और पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलता है। इसमें पीछे की तरफ आ चुके हैं तो पीछे से आपको ये बाइक ऐसे दिखाई देती है। यहाँ पे आपका टेल लैंप आ जाता है, यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए मिलता है, वो भी आप हील में देखने के लिए मिलता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं दोनों साइड, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए प्लेसमेंट मिलती है। और थोड़ी सी साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक मड गार्ड दिखाई देता है, ये भी आपका मड गार्ड है, ये आपका प्लास्टिक में आता है और ये भी आपकी मड को कवर करता है। टायर साइज़ की बात करते हैं, 40/70 R17 इसमें आपको पीछे की तरफ 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं। अब इसकी दूसरी साइड में जाते हैं तो दूसरी साइड आपको ऐसे दिखाई देती है, दूसरी साइड में भी आपका यहाँ पे पूरा इंजन कवर आता है, जो इसकी बॉडी है उससे ये कवर आता है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है इसका गियर, यहाँ पे आपको स्टैंड देखने के लिए मिलता है और इसकी चैन है वो आपको पूरी शो होती है। इसमें चैन का कवर आपको बहुत ही छोटा देखने के लिए मिलता है। और इस बाइक की बात करें तो ये बाइक रियल आंखों से देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बीस्ट लगती है। और अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ जाते हैं और इसके कंट्रोल दिखाते हैं आपको। इसमें सबसे पहले इसके कंट्रोल पे अपन ध्यान देते हैं तो यहाँ पे अपन को लाइट्स कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इंडिकेटर्स के और यहाँ पे हॉर्न का, यहाँ पे आपका की लगाने का आता है और इस साइड आपको देखने के लिए मिलते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और इस साइड आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके इंडिकेटर्स कंट्रोल मतलब हैजार्ड लैंप के। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाते हैं, यहाँ से आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होता है और आप देखते हैं कितना शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका देखने के लिए आपको मिलता है। और इसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स के यहाँ पे साइन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मैसेज वगैरह या फिर कॉल वगैरह आते हैं उसके, यहाँ आपको इंजन हीट का देखने को मिलता है। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा का पूरा डिजिटल आता है, यहाँ पे आपका बढ़िया से यहाँ का लोगो आ जाता है, यहाँ पे आपका ABS का आ जाता है कि आपका ABS ऑन है या नहीं, यहाँ पे आपका गियर शिफ्टिंग का आ जाता है, यहाँ पे आपकी लाइट्स का आ जाता है। और ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस बाइक का ऐसे दिखाई देता है, ये पूरा का पूरा डिजिटल देखने के लिए मिलता है। यामाहा R15 का जो फेसलिफ्ट आया है उसकी की बात करें तो आपको नॉर्मल की इसमें देखने के लिए मिलती है, यामाहा का लोगो आता है। इस बाइक को स्टार्ट करके आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, ये बाइक यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं और ऑन करने के बाद इसका एग्जॉस्ट नोट आप सुनिए कि कैसा देखने के लिए मिलता है। और अब इसको रेव करते हैं और रेव करने पर आपको इसका एग्जॉस्ट सुनाते हैं। इस टाइप का एग्जॉस्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। अब इसके आपको सारे फीचर्स और कॉस्मेटिक चेंजेस दिखा दिए हैं। अब इसके इंजन की बात करते हैं तो इसका इंजन आता है 155 cc का जो पावर प्रोड्यूस करता है 18 horsepower। और इसके टॉर्क की बात करें तो आपको 14.2 का इसमें टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 11 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिलता है जिसमें आपको माइलेज मिलती है 30 km/L की। और आप इसके प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको एक्स शोरूम देखने के लिए मिल जाती है 1,90,000 की, एक्स शोरूम आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। और इसके बॉडी वेट की बात करें तो इसमें
सारा का सारा आप देख सकते हैं। ज़्यादातर इसमें जो सामान है, मतलब जो इसकी बॉडी है, वो पूरी पूरी प्लास्टिक की आई है, पर फिर भी इसमें आपको 148 kg वेट देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये थी आपकी ओवरऑल R15 का जो फेस लिफ्ट आया 2022 में। तो वीडियो देखने के आपका धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच। आपको डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है।